देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को राजस्थान सहित 11 राज्यों को 9 वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल माध्यम से सभी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें उदयपुर से जयपुर वाया चित्तौड़गढ़ होकर गुजरने वाली वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। वंदे भारत ट्रेन का चित्तौड़गढ़ स्टेशन पहुंचने पर सांसद सीपी जोशी सहित अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ आमजन ने भी ट्रेन का स्वागत किया। इस अवसर पर चित्तौड़गढ़ सांसद और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की बागडोर संभाली है, तब से हर क्षेत्र में देश का नाम पूरे विश्व में रोशन हुआ है। वहीं आज प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान के उदयपुर से जयपुर वाया चित्तौड़गढ़ संचालित होने वाली वंदे भारत ट्रेन सहित 9 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। वहीं उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बुलेट ट्रेन भी पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएंगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के सभी पर्यटक स्थलों को ट्रेनों से जोड़ने के लिए सार्थक प्रयास किए हैं, जिसमें अब वंदे भारत ट्रेन भी शामिल है। ऐसी सौगात मेवाड़ को राजस्थान को मिली है। ऐसी ट्रेनें हम लोग कभी सोचते थे क्या ऐसी ट्रेनों में बैठेंगे क्या? दुनिया के विकसित देशों में ऐसी ट्रेनें चला करती हैं, लेकिन आज भारत में भी राजस्थान में और मेवाड़ से इस ट्रेन की शुरुआत हुई। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मैं हृदय की गहराई से पूरे राजस्थान वासियों की ओर से बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। ऐसी ट्रेनें जिसमें ऑटोमेटिक डोर्स लगते हों, रिवॉल्विंग चेयर हो, अत्याधुनिक सुविधाएँ हों और ऐसी साफ सुंदर ट्रेन जहाँ कम समय में लोगों को यहाँ से जयपुर पहुँचने में लगेगा। ऐसी 9 वर्षों में अनेक सौगातें राजस्थान को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दी है, चाहे नई रेलवे लाइन हो, चाहे डबलिंग हो, चाहे गेज कन्वर्जन हो, चाहे अमृत स्टेशन हो, चाहे वर्ल्ड क्लास स्टेशन हो, ऐसे अनेक काम इस क्षेत्र में दिए जो आज़ादी से पूर्व से लोग मांग कर रहे थे। इसके लिए पूरे राजस्थान की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार करता हूँ। सर, 11 बड़े स्थान जो है, देखिए ये टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ स्पिरिचुअल का भी एक बड़ा गढ़ है, मॉन्यूमेंट है, यहाँ जिले हैं, यहाँ पहाड़ हैं, यहाँ जिस प्रकार से आप कहते हैं विविधताओं में अनेकताओं में एकता, जैसे अनेक चीज़ें हैं, अनेक विविधताएँ होते हुए भी राजस्थान में आपको पहाड़ भी मिलेंगे, यहाँ रेगिस्तान भी मिलेगा, यहाँ जिले भी मिलेगी, यहाँ गौरवशाली इतिहास भी मिलेगा या पुराने मॉन्यूमेंट भी मिलेंगे। तो ये सारी विविधताएं अगर कहीं मिलती है तो वो राजस्थान में। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस कर रही हूँ कि मुझे मौका प्राप्त हुआ है। और इसमें अब हम लोग इलेक्ट्रिकल एसी कोचेस को देखते हैं। थैंक यू मैम। क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार यूनानी है। मैं आज जी सुबह जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 9 ट्रेनों का वंदे भारत लोकार्पण किया है, उसके लिए मैं चित्तौड़गढ़ लोकसभा की ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, क्योंकि वो हमारे चित्तौड़ के सांसद और प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी के अथक प्रयासों द्वारा ये सौगात हमें मिली है। उन 9 ट्रेनों में एक ट्रेन जयपुर से उदयपुर तक है, इससे इस क्षेत्र के समस्त वासियों को समय का भी बचत होगी और एक सुगम साधन उपलब्ध होगा। साथ नाम आपका? राजन माली। राजन जी पे देखते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके माध्यम से देश में निर्मित वंदे भारत ट्रेन को लॉन्च किया है और आज ये सबसे बड़ी सौगात हमारे चित्तौड़गढ़ को भी मिली है। और मैं माननीय केंद्रीय मंत्री रेल मंत्री श्री अश्विनी पटेल जी और हमारे लोकप्रिय सांसद श्रीमान सीपी जोशी जी का आभार व धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री सर, बहुत ही कम समय में आदमी अपनी दुर्गम दूरी को पार कर सकेगा, इसके लिए एक कम समय में व्यक्ति गंतव्य स्थान पर पहुंचकर अपने कार्य पूरा करके शाम को अपने स्थान पर पहुंच सकता है। यह देश और राज्य और जिले के लिए बहुत ही बड़ी सौगात है। आपका? मुकेश नाहटा। मुकेश जी देखते हैं। सबसे बड़ा धन्यवाद प्रधानमंत्री जी को, जो जब से देश के अंदर उन्होंने देश संभाला है तब से भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। हम देखेंगे कि चंद्रयान हो, चाहे वो शस्त्रा में हो, शस्त्रगार में हो, कहीं पे भी हो, भारत खुद आत्मनिर्भर बन रहा है। रही बात अगर ये 9 ट्रेनें हैं तो इस भारत के अंदर जब पहले हम देखते थे कि सब बाहर की ट्रेनें से आयात करना पड़ता, आज ये भारत 9 जो ट्रेनें बनी है उसके अंदर पूरे भारत के अंदर ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। यहाँ साथ ही मैं प्रधानमंत्री के साथ ही स्थानीय सांसद साहब को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि चित्तौड़ में भी इस प्रकार की शुरुआत हुई है। क्या नाम आपका? श्रवण सिंह राव, चित्तौड़गढ़ निवासी। सर, बाहर देखते हैं। चित्तौड़गढ़ में आज शुरुआत हो गई है, ये हमारे चित्तौड़ का सौभाग्य है। मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का और हमारे चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय सांसद सीपी जोशी जी का हृदय से चित्तौड़गढ़ वासियों की तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा
कि उन्होंने इस वंदे भारत ट्रेन में चित्तौड़गढ़ को जोड़ा। और इसलिए भी धन्यवाद करूंगा कि चित्तौड़गढ़ में चंदेरिया होकर जाने वाली थी, लेकिन उसको चित्तौड़ रेलवे स्टेशन पर लाने का काम हमारे सांसद महोदय ने किया है। तो मैं चित्तौड़गढ़ वासियों की तरफ से, समस्त लोगों की तरफ से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।